दोस्तों शनि पर आज का वीडियो आ रही थी। नौ प्लैनेट, 12 भाव, 12 राशियां और 27 नक्षत्र मानव जीवन का एस्ट्रोलॉजी में आधार माना जाता है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे हम शनि ग्रह। शनि जिसको स्लो शनि बोला जाता है, मंदा ग्रह बोला जाता है, कर्म का कारक है, बड़े भाई बहनों का भी कारक है, डिसीज यही देता है, ऑब्स्टेकल लाइफ में यही देता है। सूर्य पुत्र और छाया ग्रह, सांवला रंग यानी काला रंग शनि से एसोसिएटेड है। दोस्तों छाया है और सूर्य का पुत्र है, इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं कि छाया ग्रह होने के नाते कोई भी पेड़ लगता है तो उसकी छाया देने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसी तरह शनि के फल में भी हमें प्राप्त करने में कई बार बहुत तपस्या करती है। अब ये पर्टिकुलरली कब करेगी? जब शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ लाइफ को स्लो कर देगा, जब शनि लगन में बैठा हुआ आलसी बना देगा आपको, क्योंकि आलस्य का भी कारण है शनि, शनि कारक है। और शनि आपके जीवन में, चूंकि मैंने बोला कर्म का कारक है, अगर आपका शनि अच्छा होगा तो आप लाखों की भीड़ को एक साथ लेके चल पड़ोगे, और शनि चार्ट में अच्छा नहीं हुआ अपने परिवार को भी नहीं संभाल पाओगे। अच्छा शनि कुटुंब का समझ लो नेता बनाता है, पूरे कुटुंब आपको अपना आदर्श मानता है। तो शनि का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यही शनि कुछ पर्टिकुलर हाउसेस 3, 6, 10, 11 में अच्छे फल देता है। 11 में यू कैन से कि बहुत अच्छे फल देगा, 10 में थोड़े से कम अच्छे फल देगा, 3, 6, 11 में अच्छे फल, उच्च हाउसेस में शनि ठीक भी फल दे देता है। मैलिफिक जिसे कहते हैं ना प्लेनेट, उस कैटेगरी में शनि आता है, सूर्य भी आता है, मंगल भी आता है। आपको ये प्लैनेट तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें में संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। और जीवन, मानव जीवन संघर्ष पर आधारित है, तो शनि का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि शनि कर्म का कारक है तो भिन्न भिन्न भाव में अलग अलग बैठ के अलग अलग प्रोफेशन से जोड़ता है आपको। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। बात चल रही है शनि ग्रह की। अब शनि फर्स्ट हाउस में क्या फल देगा? देखो काल पुरुष की कुंडली में तो शनि फर्स्ट हाउस में नीच का माना जाता है, तो बहुत अच्छे फल पहले घर में शनि के नहीं बोले गए हैं। लेकिन एक बात आपको, चूंकि शनि की टॉपिक शुरू हो चुका है, तो मरकरी, वीनस, जुपिटर और स्वराशि का शनि, मतलब मकर राशि का और एक्वेरियस राशि का शनि, चाहे किसी भी भाव में लगन में भी बैठ जाए, बहुत बुरे फल नहीं देगा, अच्छे ही फल देगा। उच्च का शनि तो राजयोग कारक भी है। शनि अगर केंद्र त्रिकोण के साथ, स्वामियों के साथ संबंध बना ले तो बहुत बड़ा राजयोग भी देता है। अगर शनि जुपिटर से संबंध बना के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, बहुत बड़ा राजयोग, अपने आप में ही केंद्र त्रिकोण का सबसे बड़ा 9वें 10वें घर के काल पुरुष के मालिक है। फर्स्ट हाउस में स्लोअर पे डीप थिंकर बना देंगे आपको। आप कोई भी डिसीजन जो भी लोगे हड़बड़ी में नहीं लोगे, थोड़ा स्लो डिसीजन मेकर है, लेकिन बड़े गहरे अध्ययन के बाद, रिसर्च के बाद ही आपके डिसीजन आएंगे। बहुत अच्छा फल देगा। दसवें घर को एक्टिवेट करता है यहां बैठ के, तीसरे घर से उपच हाउसेस को, जो कि बहुत अच्छा माना गया है, और दसवां घर भी उपच हाउसेस है, तो समझ लो यहाँ तीसरे और दसवें घर के तो बहुत अच्छे फल देने वाला है। सप्तम भाव के फल थोड़े निराशाजनक होने वाले हैं। सो ये तीन राशियों की दृष्टि पड़ रही, तीन तीन जगह दृष्टि पड़ेगी तो तीनों अलग अलग फल है। एक अच्छा है, दो अच्छे हैं तो एक बुरा है फर्स्ट हाउस में। सेकेंड हाउस की बात करूं, सेकेंड हाउस चूंकि शनि कर्म का कारक है, फाइनेंशियल फील्ड से आपको जोड़ सकता है, अगर मरकरी और जुपिटर का भी 10th और सेकेंड हाउस से कहीं कनेक्शन बैठ। दोस्तों दूसरे घर का शनि आपका यू कैन से फाइनेंशियल मार्केट से आपको जोड़ सकता है, क्योंकि हाउस ऑफ फाइनेंस है, धन का घर है। अगर मरकरी का और जुपिटर का 10th और सेकेंड हाउस से कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा हो, ये सेकेंड हाउस में मरकरी के घर बैठा हो, जैसे आप देखो अमेरिका के चार्ट में, अमेरिका का शनि सेकेंड हाउस में वर्गो राशि में, जो कि कम्युनिकेशन की बहुत ऊंची राशि मानी जाती है, आज आईटी इंडस्ट्री में डंका बज रहा है, तो किस अवस्था में बैठा हुआ शनि, शनि का ये सेकेंड हाउस में बैठना कई जगह बहुत बुरा बोला गया है। कुटुंब को साथ लेके नहीं चलते, अमेरिका भी लोगों को साथ लेके बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन
चूंकि उसका शनि वेल पोजिशन है तो अच्छे रिजल्ट भी देने का समझते रखता है। तीसरा घर उपजा हाउसेज है, तीसरा घर कहीं ना कहीं आईटी से जुड़ा हुआ है, तो आप आईटी के प्रोफेशन से कहीं ना कहीं रिलेट करके अपना नाम कमा सकते हो। ये रील्स बनाने वाले जो यूट्यूबर्स हैं ये सब थर्ड हाउस में, इनका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी शनि की भी आ सकती है और इनकी कहीं ना कहीं टेंथ हाउस की भी थर्ड हाउस से कनेक्टिविटी आ सकती है। तो शनि का यहाँ रोल बहुत अहम है, आपको परिश्रम के बाद हार्ड वर्क के बाद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन चूंकि नवम भाव में दृष्टि शनि की जा रही है, भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ा हेर फेर रहने वाला है, सफलता थोड़ी सी मुश्किल से मिलने वाली है। विदेश के घर 12वें घर को देख रहा है, हॉस्पिटल के घर को देख रहा है, तो अपनी दशांतर दशा में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम और विदेश से कनेक्शन आपका करवा सकता है। चतुर्थ भाव आपका घर होता है, यहाँ शनि का बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता आपका, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका घर का है और मदर का है, उनके जीवन में छोटी छोटी मोटी कोई समस्याएं जरूर रहेगी। दसवीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, अगर रेट्रोग्रेड शनि है तो अपनी दशांतर दशा में थोड़े इश्यूज देगा। स्वराशि का शनि है तो यहाँ पर भी अच्छा करना है, अपनी दशा अंतर दशा में घर भी बनवा सकता है। टेंथ हाउस को देख रहा है, किस घर का लॉर्ड होकर टेंथ हाउस को देख रहा है ये भी देखने वाली बात रहेगी, लेकिन प्रोफेशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। पंचम भाव का शनि कहीं ना कहीं से आपको स्त्री संतान दे सकता है, यानी फीमेल संतान दे सकता है। यहाँ ये पंचम भाव आपकी बुद्धि का है तो थोड़ा बहुत आपकी स्लो अप्रोच रहेगी। लव लाइफ का है उसको डल करेगा, 100% डल करेगा। कहते तो यहाँ तक है कि लव लाइफ जीवन में सक्सेसफुल होने ही नहीं देता, इवन शादी भी हो जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में पंचम का शनि लव पनपने नहीं देता। छठे घर का शनि क्योंकि 11वें घर का पंचम से देख रहा है तो आपके फाइनेंशियल सक्सेस आपको दे सकता है। दूसरी हाउस में भी दृष्टि है, अब ये विरगो लगन के लिए बहुत अच्छा शनि है क्योंकि सेकंड हाउस में शनि की ऊंच राशि आती है, 11वें घर को भी देख रहा है, तो यहाँ पर विरगो लगन के लिए क्योंकि पंचम हाउस का खुद का है बहुत अच्छी सफलता देगा। जिन चार्ट्स में शनि की राशियां पंचम में या ऊंच राशि पड़ती है वहां पे अच्छे रिजल्ट देने का समझते रखता है। तो थोड़ा प्रिडिक्शन में धैर्य के साथ और विवेचना करने के बाद, जन्म पत्री को अंडरस्टैंड करने के बाद ही प्रिडिक्शन करें। छठे घर का शनि बहुत अच्छा है, आपको जॉब में सफलता देगा। छठा घर जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है तो यहाँ पे शत्रु को परास्त करने में आप संभवतः कामयाब हो जाएंगे, आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर यहाँ फ्रेंड राशि में बैठा है तो कम रोग देगा, कम ऋण देगा, लेकिन अगर इनिमिकल साइन है तो ऋण दे सकता है, शत्रु भी दे सकता है और कई तरह की प्रॉब्लम भी कर सकता है। सप्तम भाव शनि का, हालांकि देखो वेस्ट की राशि है, यहाँ पे दिग्बली होता है शनि, कुछ चीजों के लिए अच्छा है लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं डिलेयर भी बनता है और थोड़ा अच्छा भी नहीं। अब ये फोर्थ हाउस को भी देगा सप्तम से तो मदर के मैटर, प्रॉपर्टी के मैटर्स को तो सुलझा, मदर के मैटर को तो नहीं, प्रॉपर्टी के मैटर्स को सुलझा सकता है, लेकिन मदर के लिए थोड़ी ट्रबल भी देगा, सुखों में कमी रखेगा। नवम दृष्टि, नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है सप्तम से तो वहां भी थोड़ी आपको भाग्य खुलने में थोड़ी देरी करा सकता है। अष्टम भाव का शनि आपको लंबी उम्र देता है क्योंकि आयु का कारक है, स्लो है तो आपकी डेथ भी स्लो ही होने वाली है, यानी लंबी उम्र जीने वाले, ठीक है। मल्टीपल इश्यूज यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड दे सकता है, ऐसी डिसीजेस भी दे सकता है जिनको हमें रेगुलर दवाइयां खानी पड़ेगी, थोड़े इश्यूज हेल्थ से रिलेटेड रहेंगे। सेकेंड हाउस और संतान के भाव को देख रहा है यहाँ से और दशम भाव को देख रहा है, दशम भाव को देखना अच्छा है और पंचम भाव को देखना थोड़ा संतान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फीमेल संतान दे सकता है। सेकंड हाउस को देखेगा, अगर अच्छा शनि और अच्छी राशि में देख रहा है तो आपको धन जरूर दे सकता है। अब नवम भाव का शनि, मेरा खुद का स्वराशि का टॉरस लगन है कर्क, आपका नाइन्थ हाउस में स्वराशि का शनि है, देखो यहां पर डिलेयर जरूर बनेगा भाग्य का, लेकिन जब भाग्य को खोलेगा तो सारे बंद दरवाजे एक साथ खोल, शनि जितना देने का सामर्थ्य रखता है कोई भी प्लैनेट शायद देने का उतना समर्थ नहीं रखता। तो नवम भाव में आपको एक एजुकेशन से जुड़ी फील्ड से जोड़ सकता है, अच्छे टीचर बना सकता है, अच्छा कंसल्टेंसी का आपको अंदर दिमाग होगा, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होगा। सो कहीं जगह ये शनि विदेश की यात्राएं भी कर सकता है, धार्मिक स्थल पर भी अपनी दशा में ले जाएगा, खासकर शिव जी से रिलेटेड जितने भी धार्मिक स्थल है वहां आपको जरूर जाना चाहिए इस पीरियड। ये शनि छठे घर को देख रहा है, उपचे हाउस को, ये देखो नाइन्थ हाउस का शनि सबसे अच्छा मैं मानता हूं,
कारण क्या है, तीनों उपचाउसिस को एक्टिवेट कर रहा है, इलेवंथ को, सिक्स को और थर्ड को। पराक्रम देगा, मेहनत करवाएगा, छठे घर को देख रहा है दुश्मनों का नाश कर देगा, ग्यारहवें को देख रहा है डेली इनकम देगा, और काल पुरुष की कुंडली में ग्यारहवें घर का लॉर्ड भी है वो, तो उसका भाग्य थोड़ा भाग्य लेट खोलेगा लेकिन चलाएगा तो बहुत चलते ही चले जाओगे। टेंथ हाउस का शनि अगर अच्छी राशियों में, जो राशि मैं बता चुका हूं उनमें है, तो बहुत बड़ा राजयोग भी बना के दे सकता है, अदरवाइज ऊपर नीचे लाइफ को कर सकता है। शनि से रिलेटेड काम करोगे, माइंस का, स्टील्स का, यहां सफलता देगा। ग्यारहवें घर का शनि बड़े भाई बहनों और मित्रों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, बैक स्टेपर हो सकते हैं ये लोग आपके जीवन में, लेकिन ग्यारहवें घर का शनि, शनि के कार्य करोगे तो आपको डेली प्रॉफिट अच्छी क्वांटिटी में दे देगा। यहां पर पंचम भाव को देख रहा है तो हो सकता है स्टॉक मार्केट से रिलेट करा दे आपको, लेकिन संतान के लिए ये दृष्टि अच्छी नहीं मिल जाएगी। तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है, लगन में कौन सी राशि पड़ रही है ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ वैसे उसके अन्यथा उसकी दृष्टि बुरी मानी जाती है यहाँ पर। और ग्यारहवें घर से अष्टम को देख रहा है तो आयु का तो कारक है, आयु के घर को देख रहा है, अदरवाइज कुछ जगह बीमारियां भी जरूर देगा अपनी दशा दशा में। बारहवें घर का शनि आपको विदेश में सेटल होने का एक चांस देगा, बारहवां घर विदेश का है, और हॉस्पिटल के भी कर्मचारी बन के आप काम कर सकते हो, क्योंकि बारहवां घर जेल के अंदर भी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा हेल्थ में ट्रबल जरूर देगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।